भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की चर्चा दुनिया भर के मीडिया में हो रही है। अमेरिकी मीडिया में भी इस दौरे को खासा तवज्जो मिली है। पीएम मोदी पहली बार अमेरिका के राजकीय अतिथि बनकर गए हैं। अमेरिकी मीडिया में मोदी के दौरे पर मिली जुली प्रतिक्रिया है। कई अमेरिकी सांसदों की ओर से अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी के भाषण के बहिष्कार की खबर को भी अमेरिकी मीडिया में प्रमुखता से जगह मिली है। करीब आधा दर्जन डेमोक्रेट सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी के भाषण का बहिष्कार किया। इनमें मिशिगन से राशिदा तालिब, मिसौरी से कोरी बुश, मिनेसोटा से इल्हान उमर और न्यूयॉर्क से जमाल बोवमान ने मोदी के भाषण का बहिष्कार किया। इन चारों ने पीएम मोदी के विरोध में साझा बयान भी जारी किया है। इनके साझे बयान को न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रमुखता से जगह दी है। बयान में इन्होंने कहा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी कांग्रेस का मंच देकर धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों और पत्रकारों की आवाज़ कमजोर की गई है। हम राजनीतिक लाभ के लिए मानवाधिकारों को कभी त्याग नहीं सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक और रिपोर्ट में लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाइडेन चाहते हैं कि रूस और चीन के साथ जब अमेरिका की तनातनी चल रही है, ऐसे में भारत उसके साथ रहे। मोदी के इस दौरे में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि बाइडेन ने मोदी को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर से सवाल लेने के लिए तैयार किया। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी मोदी के दौरे पर कई रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं। एक रिपोर्ट में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, मोदी जब गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे, तब अमेरिकी सांसदों ने कई बार खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं विजिटर गैलरी में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी संख्या में मोदी के स्वागत में उनके प्रशंसक खड़े थे। बाइडेन ने कहा कि दो महान देश, दो मजबूत दोस्त और दो ताकतवर देश 21वीं सदी की दिशा तय करेंगे। दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते भी हुए, जिसके तहत भारत में अमेरिका जेट इंजन का उत्पादन करेगा। इसके अलावा अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में नया वाणिज्यिक दूतावास भी खोलेगा। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरले ही रिपोर्टर का सवाल लेते हैं, लेकिन गुरुवार को ऐसा हुआ। बाइडेन मोदी को स्टेट विजिट पर बुलाकर भारत के साथ संबंध गहरे करना चाहते हैं, ताकि चीन को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन मोदी के इस दौरे में भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार और लोकतंत्र का मुद्दा भी छाया रहा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी मोदी के दौरे को खास तवज्जो दी है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है, अमेरिका भारत की सेना के आधुनिकीकरण का समर्थन कर रहा है। भारत चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर निगरानी चौकस करने के लिए अमेरिका से $3 अरब का हथियार बंद ड्रोन खरीद रहा है। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर फाइटर जेट का इंजन बनाएगी। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने भी मोदी के दौरे का व्यापक रूप से कवरेज किया है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मोदी की लोकप्रियता भारत में जबरदस्त है, लेकिन अधिनायकवाद की तरफ उनका झुकाव पश्चिम को चिंतित करता है। उन्होंने असहमति तो नकार दिया है, पत्रकारों को निशाने पर लिया है और जिन नीतियों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उसे मानवाधिकार समूह मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताते हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान भी चर्चा में रहा। ओबामा ने कहा कि अगर उनकी बात भारतीय प्रधानमंत्री से होती तो वे मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हिफाजत का जिक्र करते। अमेरिका की कुछ संस्थाओं और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मोदी की अमेरिका यात्रा पर सख्त टिप्पणियां की हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल US ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई है। इसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भी शामिल है।